अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन सांभर में मर रहे पक्षियों में कमी आ रही है, उस पर हम जांच कमेटी बिठाई है और उसके बाद में लगातार जांच जारी है। पिछले कुछ दिनों में पक्षियों के मरने में कमी आई है और इसमें हम सुधार कर रहे हैं। उस पर हाई कमेटी बैठी है और हमारा अनुरोध भारत सरकार से है कि उनकी भी एक कमेटी राजस्थान आए और लगातार इस पर हमारे साथ सहयोग करें। हमने जावड़ेकर को भी इसके लिए पत्र लिखा है कि एक टीम भी यहां आकर इसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को ये कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने संसद में ये मुद्दा उठाया था कि प्रवासी पक्षियों के मरने पर राजस्थान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, के बाद में अशोक गहलोत का कहना है कि रिसोर्ट और अन्य शिकायतें भी हमें मिली है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार जेएनयू में जो कर रही है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम को बदनाम करने की एक साजिश है और वो उनके नाम को खत्म करना चाहती है। उनका कहना है कि एनआरसी पूरे देश में विफल हो चुकी है, एनआरसी का कोई मतलब नहीं रहा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर अशोक गहलोत ने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं क्या कुछ अशोक गहलोत ने आज प्रेस वार्ता में कहा। लगातार जो है जो पक्षी मर रहे थे उनकी संख्या परसों के रोज करीब 190 थी, वो कल 70 तक पहुंच गई और आज 28 तक पहुंच गई। तो लगातार संख्या कम होती जा रही है। जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं विभाग ने, उसका इम्पैक्ट है वहाँ पर और वो स्थिति नहीं जो पहले थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे जो संस्थान बीकानेर के अंदर है राजावास में, उसने जो रिपोर्ट दी थी बीमारी का जो नाम है उसका नाम है बॉटुलिज्म, वही अभी अभी खबर आई है बरेली से, वहाँ की जो लैब है भारत सरकार की, उसने ही बॉटुलिज्म ही माना है, बीमारी वही है। और ये संतोष का विषय है कि जो खबर हमारे पास पहले आ गई राजावास के अधिकारियों से, उसके अनुरूपी विभाग ने तमाम वो कार्रवाई करी, वो कदम उठाए जिससे कि ये मौतों का सिलसिला बंद हो। सवाल ये कि उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से आगे के लिए भी लगातार जांच जारी रहेगी। मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र भी लिखा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट इंडिया के भी यहाँ पर आए। पहले साइंटिस्ट आगे गए थे, नमूना लेके गए, उससे काम नहीं चलने वाला है, उससे काम नहीं चलने वाला। उसके अलावा आगे और रिसर्च हो, इसके मरने के कारण क्या क्या रहे, मरने के कारण पैदा क्यों हुए, ये तमाम कारण मालूम करके ये व्यवस्था करना सुनिश्चित करना चाहेंगे जिससे कि फ्यूचर के अंदर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। क्योंकि सर्दी का वक्त आ रहा है, साइबेरियन बर्ड्स आती है बड़ी संख्या में, घाना में आती है भरतपुर के अंदर, सांभर में आएगी, तो हम नहीं चाहेंगे कोई चांस ले। उस रूप में सरकार तमाम कदम उठाना चाहेगी और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह वन विभाग और विभाग हमारा जो है वो तत्पर है, उसी रूप में कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पे काबू पा लिया जाए। सर, ये एवियन बॉटुलिज्म जो बैक्टीरिया है बहुत घातक बैक्टीरिया है, ये 4 दिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, फाइनली ये कंक्लूजन आ गया कि भाई यही है, तो इसको पहले से ना रोके इसके लिए प्रिकॉशन। भारत सरकार के सेक्रेटरी को आके यहाँ बैठना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए हमारे अधिकारियों के साथ में। एक्सपर्टाइज जो है ये राज्यों में नहीं होती है, भारत सरकार में होती है, उनकी लैब में होती है, उनके साइंटिस्ट में होती है। इसको भारत सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कोई कमी नहीं रखेगी अपने स्तर पर काम करने में, ना कमी रख रही है, और भारत सरकार को पूरा सहयोग करेगी जिससे कि ये जो त्रासदी हुई है वो जल्दी जल्दी उस पर काबू पाया जा सके। नंबर दो, राजस्थान तो वो राज्य है जहाँ जिसको कहते हैं कीड़ी नगरा, कीड़े मकोड़े के ऊपर भी आप जानते हो कि जाकर के हमारे जो संस्कार है राजस्थान में वो कीड़ी नगर सींचते हैं जिससे कि वो भी भूखे नहीं रहे, पशुओं के लिए व्यवस्था करते हैं, चारे का भी अन्य प्रबंधन करते हैं व्यक्तिगत रूप इंटरेस्ट लेकर के, और तो और पक्षी जो होते हैं उनके लिए परिंदे बांधते हैं घर घर के अंदर, गार्डन के अंदर,
हमारी परंपरा पक्षियों को पशुओं को बचाने की रही है। राजस्थान गवर्नमेंट कोई कमी नहीं रखेगी। सवाल ये है कि भारत सरकार को चाहिए वो आगे आए और इसमें हमारी इमदाद करें। ये सांभर में रिजॉर्ट की भी अनुमति दे दी पर। ये तमाम रिजॉर्ट बने हैं, खबरें आ रही है कई तरह की, मेरे पास भी कुछ शिकायत आई है। अब जो ये टूरिज्म का जो एक प्रस्ताव था वहाँ पर, उसको देखते हुए सोलर प्लांट लगने थे वहाँ पर, उसको देखते हुए ये जो घटना हुई है उसको देखते हुए तमाम तरीके से चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग की जाएगी और तमाम तरह से रिसोर्ट बने या नहीं बने, टूरिज्म किस हद तक वहाँ पर आए, टूरिज्म आए तो किस तरह का टूरिज्म आए वहाँ पर, और सोलर प्लांट लगे तो किस एरिया में लगे, जिससे कि फ्यूचर के अंदर जो बर्ड सेंचुरी वहाँ बनी हुई है कुदरत से वो डिस्टर्ब नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम लोग करेंगे। स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है, जेएनयू में स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ लंबे समय से। मैंने कल ये बात कह चुका हूँ, बाबा मत कलवा मुझसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, पंडित नेहरू की उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व दुनिया में, पंचशील की सिद्धांत, निगुड़ राज सम्मेलन, देश का आधारभूत ढांचा तैयार किया उन्होंने किया, उनके ऊपर जो अटैक किए गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके नाम की यूनिवर्सिटी है, तो पंडित नेहरू के नाम से ही मैंने कहा इनकी इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो जानबूझ करके वहाँ पर अभी जो पिछले सालों से जो एक थीम थी वहाँ पर उसको कमज़ोर करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि उसका हल निकालना चाहिए, बजाय कि वो हिंसा हो उनको पसंद नहीं करेगा। छात्रों के फ्यूचर का सवाल है, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, सही फैसला करना चाहिए। सर आप गवर्नमेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आगे एसोसिएशन खुल के सेंट्रल को चिट्ठी लिखना। नमस्कार।